हेलो दोस्तों। तो यार देखो, ये वाली मेरी वीडियो का थर्ड पार्ट है। तो अगर तुम्हें सेकंड पार्ट और फर्स्ट पार्ट देखना है, मतलब जो चीज़ें मैंने बना रखी हैं तो वो सेकंड और फर्स्ट पार्ट में, तो वो तुम जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है उससे जाके देख सकते हो। ठीक है, मतलब तुम जाके देखो, अगर मेरा सजेशन लो तो तुम जाके देखो। क्योंकि ना उसमें मतलब मैंने जो शेडिंग दिया है उसके बारे में मैंने बहुत अच्छा एक्सप्लेन करा है। इसमें भी करूँगा मैं, पर वो दूसरी चीज़ों के बारे में करूँगा एक्सप्लेन, जो मतलब जैसे स्किन कैसे बनाते हैं, जैसे स्किन पे मैंने शेडिंग जो दे रखी है इसके शरीर पे वो कैसे देते हैं, फिर साड़ी जो बना रखी है मैंने वो कैसे बनाते हैं, मतलब घाघरा चोली जो बना रखा है वो कैसे बनाते हैं, फिर उसके गले वाले पे जो मैंने करा है तो वो कैसे करते हैं, ये सब चीज़ मैंने उसमें एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो तुम्हें देखना है तो वो देख लो। अब देखो, मैं बैकग्राउंड जो कर रहा हूँ ना, तो बैकग्राउंड के लिए पता है मैं क्या कर रहा हूँ? बस ना ब्लैक कलर करो, ठीक है, ब्रश को ना थोड़ा प्रेशर डाल के करो इसमें, ठीक है, बैकग्राउंड, और थोड़ा ना राउंड राउंड चलाओ ब्रश, ठीक है। और ना पता है, इसे ना ब्लैक कलर करो, और उसके साथ ना थोड़ा एक कलर जो मेरे पास ना टर्किश ब्लू है, ठीक है, तो तुम मतलब डार्क ब्लू भी यूज़ कर सकते हो, तो ना टर्किश ब्लू या फिर डार्क ब्लू किसी को भी तुम ना ब्लैक के साथ मिक्स करो। सबसे पहले ना ऊपर ऊपर जो कोने वाला साइड है तुम्हारा, जो शीट का एज वाला पार्ट है, वहाँ वहाँ तो तुम डार्क ब्लैक करो। फिर जैसे ही जहाँ पे तुमने बनाया ना, तो ये अगर तुम ब्लैक कर दोगे तो ज़्यादा दिखेगी नहीं है, है ना? तो इसे थोड़ा सेपरेट करने के लिए ना बैकग्राउंड से तुम्हें ना हल्का करना होगा कुछ। तो इसलिए मैं ना हल्का कलर कर रहा हूँ, जैसे ये कलर है ना मेरा टर्किश ब्लू, ये ब्लैक से तो हल्का ही है, तो वो कर रहा हूँ मैं। फिर बीच में देखना, मैं थोड़ा सा मैं वाइट भी मिक्स करूँगा, अभी देखते चलो मैं कैसे कर रहा हूँ। तो ये देखना अब थोड़ा सेपरेट, अब देखो हाथ दिख रहा है ना, वैसे ब्लैक पे भी दिख जाता हाथ ये वाला, क्योंकि हाथ हल्का है, पर जैसे अब मैं बाल बनाऊंगा तो बाल नहीं दिखता ना मेरा इतना अच्छा, तो फिर इसलिए मैं टर्किश ब्लू कर रहा हूँ मेनली, उसे मतलब बाल दिखाने के लिए। ठीक है, तो बस फिर ऐसे ही चीज़ें करते हैं। अब मैं आगे तुम्हें बताऊँगा कि बाल बाल कैसे बनाते हैं, फिर वो आगे जो इसके राइट हैंड साइड पे मटका है वो कैसे बनाते हैं, सब कुछ बताऊँगा। बस देखते रहो तुम और मौज लो। हाँ देखो यार, तुम्हें और एक चीज़ बता रहा था मैं कि ना, मैंने ना पूरी प्लेलिस्ट की एक वो क्रिएट कर रखी है, ठीक है। तो तुम ना पता मेरे प्लेलिस्ट पे कैसे जाओगे? देखो, मेरा आइकन जो होगा ना, मेरा मेरे शक्ल की आइकन बनी होगी, तो ना वहाँ पे उस पर टच करना है तुम्हें, ठीक है। फिर ना वहाँ प्लेलिस्ट आएगा ऊपर, मतलब बहुत सारे ऑप्शन होंगे, तो उसमें एक प्लेलिस्ट का ऑप्शन होगा, उसमें जाना, और उसमें ना मैंने बहुत सारे टॉपिक पे क्रिएट कर रखा है प्लेलिस्ट, मतलब जैसे बहुत सारे पोस्टर मेकिंग पे, बहुत सारी मेरी पेंटिंग होगी, और सब सब का टॉपिक लिखा हुआ है, बहुत सारे पोर्ट्रेट पे। तो तुम ना इस पे जाना, क्या कहते हैं, इंडिया इंडियन फोक आर्ट या इंडियन वूमेन वाला है, तो इस पे जाना, और तुम्हें कोई देखना हो तो उसमें तुम जाके देख सकते हो वैसे। फिर तुम इसमें जाना, उसमें ना इसके तीनों पार्ट डले हुए हैं, मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों ही पार्ट है इसके, ठीक है। तो तुम वहाँ से भी जाके डायरेक्ट देख सकते हो, नहीं फिर मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाला हुआ है, तो उससे भी देख सकते हो। तो तुम्हारी मर्जी है, तुम कैसे भी देख सकते हो। अगर तुम्हें बाकी मेरी पेंटिंग देखनी हो तो तुम मतलब वहाँ से देख सकते हो वैसे, मतलब प्लेलिस्ट से, ठीक है। तो जाओ देखो और बताना मुझे, कमेंट करना कैसे लग रही है तुम्हें मेरी पेंटिंग्स। ओके। अब देखो यार, मेरे बैकग्राउंड वाला पार्ट हो गया था ना, तो देखो बाल के लिए मैं तुम्हें बताता हूँ बाल कैसे करना है तुम्हें। देखो यहाँ पे ना मतलब बाल के लिए सबसे पहले ना तुम ब्लैक कलर कर दो, ठीक है। फिर ना एकदम जो देखो मैं यहाँ पे जो बाल का बिल्कुल आगे वाला पार्ट आ रहा है वहाँ पे देखो मैं वाइट वाइट कर रहा हूँ, और बिल्कुल ना लाइन लाइन टाइप कर रहा हूँ वाइट वाइट, ठीक है। तो ये चीज़ तुम ध्यान में रखो कि ना मतलब बाल पे ना जैसे तुम्हारे ना बाल एक एक पतली पतली चीज़ दिखनी चाहिए बाल की, मतलब लाइन जो मतलब बाल होते हैं तो पतले पतले ही होते हैं ना तुम्हारे बाल,
तो वो बिल्कुल मतलब पतली पतली लाइन डालो ब्रश से, बिल्कुल पतली पतली। और मतलब तुम्हें पता है ब्रश को कैसे करना है इसमें? देखो ब्रश में ना बस हल्का सा पानी लगाओ, बहुत ज़्यादा पानी लगाना, हल्का पानी लगाओ और ब्रश के बिल्कुल टिप पे कलर लगाओ, बहुत कम, ठीक है? फिर उससे मारो बिल्कुल, और ब्रश को बिल्कुल ढीला पकड़ना है इस वक्त, बिल्कुल प्रेशर नहीं डालना, बिल्कुल ऊपर ऊपर से बस करो, ठीक है? तब तुम्हारी वाली लाइन खुद ही आ जाएगी, ठीक है? अब देखो मैं यहाँ पे शेडिंग वेडिंग दे रहा हूँ, जैसे तुम्हें दिख रहा होगा कि मतलब वाइट वाली जो वाइट वाइट जो लाइंस होती है वो बाल की चमक आ रही होती है ना, तो देखो मैंने बीचों बीच उसका जो मांग होता है जहाँ पे, वहाँ पे मैंने चमक डाल रखी है, क्योंकि वहाँ से थोड़ा सा बाल फोल्ड हो रहा है ना, तो वहाँ पे शाइन आएगी हल्की। तो ये चीज़ भी तुम्हें तो सोचना है कि जहाँ पे मतलब चमक कहाँ कहाँ आ रही है, तो तुम्हें वहाँ पे वाइट कलर करना होता है या फिर उसी का हल्का कलर, जैसे ग्रे कर सकते हो, ठीक है? पर वाइट से करना, बाल पे ज़्यादातर वाइट करते हैं क्योंकि उसमें ज़्यादा चमक आता है, और जिसमें कम मतलब मीडियम टोन की चमक आ रही होती है ना, तो वहाँ पे मतलब थोड़ा हम उसके बीच की मिक्सिंग डालते हैं, मतलब वाइट और जैसे रेड है तो वाइट और रेड के बीच की मिक्सिंग, समझ गए? ये करते हैं। अब देखो मैं बाल इसी तरह बनाऊँगा, बाकी पूरा इस मतलब दूसरी साइड भी, जो लेफ़्ट साइड है तुम्हारा बाल, वो वैसे ही सेम बनाऊँगा, ठीक है? और फिर ना लास्ट में जब बाल तुम्हारा बन जाए, अभी तो तुमने बाल बना दिया, ठीक है? फिर बाल थोड़े थोड़े मतलब बिखरे भी होते हैं ना, तो जैसे हल्के हल्के एक दो बाल बाहर भी निकल रहे होते हैं, जो मतलब बाल ही थोड़े बिल्कुल तुम्हारा सर्कल बना रहा होगा, थोड़ा थोड़ा मतलब सर्कल में फिनिश बिल्कुल ढंग से नहीं होगा ना, एक दो बाल बाहर निकल रहे होंगे, तो वो बाल भी तुम्हें दिखाना है, तो वाइट से दिखाते हैं हमेशा। तो जब मैं वो करूँगा तो मैं तुम्हें बता दूँगा वैसे, ठीक है? और ना भी बताओ तो भी तुम्हें पता लगी जाएगी, ठीक है? यार देखो, तो ना मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं बैकग्राउंड और मतलब इसके बाल के बीच में ये वाइट वाइट कर रहा हूँ, तो ये देखो ये तुम्हारे जो थोड़े थोड़े बाल बाहर निकल रहे होते हैं ना, बाल के मतलब बाल के गुत से जो भी कहते हैं यार इसको, ठीक है? मतलब लड़कियों को ये सब पता होता, मुझे तो इनके बारे में कुछ पता ही नहीं है, ठीक है? तो मतलब जो जैसे बाल निकल रहे होते हैं बस बाहर, तो वही बनाया मैंने, ठीक है? तो बस फिर वो तुम कर सकते हो सेम ऐसी, ठीक है? तो इससे बहुत अच्छा लुक आता है, और डार्क बैकग्राउंड के ऊपर ये चीज़ करोगे तो मतलब सोने पे सुहागा, क्या कहते हैं जो भी सोने पे सुहागा ही कहते हैं शायद, वही, तो सोने पे सुहागा हो जाता है, ठीक है? अब देखो, अब मैं ऐसी हर चीज़ मतलब करूँगा, ठीक है? और कान तो यार जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि स्किन कैसे करते हैं फर्स्ट वीडियो में, वैसे ही करना। मतलब देखो जैसे ऑरेंज कर रहा हूँ मैं, ठीक है? फिर उसके बाद ना वाइट मिक्स कर दूँगा इसमें, ठीक है? देखना ध्यान से, वाइट मिक्स कर रहा हूँ, और थोड़ा सा ना ऑरेंज छोड़ना, ऑरेंजिश लुक थोड़ा रहना चाहिए इसमें, मतलब हल्का छोड़ के बस थोड़ा सा बिल्कुल ऑरेंज के एज वाले पार्ट पे ना मिक्स करना है तुम्हें वाइट, तो उससे ना वो वाला पार्ट हल्का हो जाएगा, बाकी तुम्हारा वाला जो ऑरेंज तुमने पहले किया होगा वो डार्क ही रहेगा, ठीक है? और फिर बीच में तुम्हारा जैसे कहीं डार्क पार्ट, जैसे कान का छेद होता है, तो वहाँ पे ना फिर तुम्हें वो वाला पार्ट और ज़्यादा डार्क करना है, ठीक है? इसमें तो छेद दिख नहीं रहा था इसलिए मैंने ज़्यादा डार्क किया नहीं, हल्का मीडियम टोन। देखो मैंने थोड़ा सा डार्क किया ना कान पे, तो वो चीज़ है वो मतलब कान पे जो थोड़ी थोड़ी जहाँ पे डार्क शेड पड़ रही होती है ना, वो चीज़ है वो। तो वैसी शक्ल पे भी सेम ऐसी, हर जगह ऐसी करते हैं, हाथ पे भी ऐसी, पैर पे भी ऐसी, फिर साड़ी जो मैंने बना रखी है उस पे भी ऐसी, मतलब यार एक ही चीज़ है बस, शेड तुम्हें बस ध्यान में रखना है, ये चीज़ ध्यान में रखना बस।
ठीक है। बाकी अब देखो, अब मैं तुम्हें मटका बताऊंगा, देखना। Thank you.
देखो यार, इसने जो ये कड़ा पहन रखा है ना, इसके लिए ना सबसे पहले ना तुम मतलब ब्लैक करो, ठीक है, और उसमें ना मतलब दोनों लाइन पहले ब्लैक कर दो, ठीक है, फिर उसके बाद ना उसके अंदर ना ग्रे मिक्स कर दो। जैसे देखो मैं ब्लैक कर रहा हूँ ना, उसके बाद देखो मैं वाइट लिया मैंने, अब ग्रे मिक्स मतलब ग्रे बना दे रहा हूँ इसको। तो ये चीज़ करना है तुम्हें कि ना बीच में ग्रे बनाना है, और फिर ना उसके बाद तुमने बेस सेट कर दिया, ठीक है, अब उसके बाद ना इसके ऊपर टेक्सचर देना है। तो अब देखो, अब मैं ना थोड़ा टेक्सचर दे रहा हूँ ना, जैसे ब्लैक करा अब मैंने, अब मैं करूँगा इसमें थोड़ी डिटेलिंग वाला काम। तो डिटेलिंग जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे करने की कोशिश करना, मतलब ध्यान से देखो मैं कैसे कर रहा हूँ और वैसे करने की कोशिश करो, तो हो जाएगा तुमसे। ये बहुत आसान है, मतलब बहुत आसान है यार ये। और तुम्हें पता एक चीज़ और बताओ, ये जो तुम्हें राइट हैंड साइड पे मटका दिख रहा है ना, ये बहुत अच्छा बनेगा ये, ठीक है, लेकिन ना मतलब तुम्हारे तुम्हें ना बहुत ज़्यादा आसान लगेगा ये, इतना मुश्किल है नहीं ये जितना तुम्हें दिख रहा है, ठीक है। तो तुम जब बनाऊंगा ना मैं ये, तो देखना बहुत आसानी से बता दूंगा तुम्हें, और तुम्हें लगेगा भी आसान, मतलब दिखने में तो बहुत मुश्किल लगेगा यार ये कैसे बनाऊँ ये कैसे बनाऊँ, लेकिन जब बनाओगे ना तो ईजिली बन जाएगा तुमसे, ये पक्की बात है, ठीक है। देखो यार, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था मटका बहुत ज़्यादा आसान है, तो मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे करते हैं। देखो सबसे पहले ना मैंने ऑरेंज कलर किया इसमें, ठीक है, देखो कुछ नहीं करा मैंने, बस ऑरेंज कलर कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब देखो ऑरेंज कलर करने के बाद ना तुम्हें इसमें ना थोड़ा ब्लैक मिक्स करना होगा, क्योंकि जो बाहर डार्क आ रहा होगा वहाँ पर तुम्हें डार्क ही करोगे ना तुम, मतलब ब्लैक तो कर ही दोगे, ठीक है, तो वहाँ पर डार्क करने के लिए क्या करोगे, उसका डार्क कलर करोगे। तो ऑरेंज के साथ ना रेड और ब्लैक मिक्स करो। तो देखो फिर मैं ब्लैक मिक्स कर रहा हूँ इसमें, ठीक है, तो इस तरफ ना इसकी मतलब थोड़ी सी शेड आ रही थी यहाँ पे, तो इसलिए मैंने ब्लैक मिक्स करा था यहाँ पे, ठीक है। तो हाँ, अब देखो मैं मटके में ना पहले बैकग्राउंड सेट करूँगा, फिर इसके ऊपर जो डिज़ाइन है ना, डिज़ाइन वगैरह है, तो वो बाद में दूंगा मैं, ठीक है, पहले ना तुम्हें बेस सेट करना है अपना। तो ये चीज़ ना मतलब देखो मैं बेस सेट कर रहा हूँ इसका। अब देखो मैंने रेड मिक्स करा, जैसे मैंने बताया था कि रेड मिक्स करूँगा मैं, तो देखो रेड मिक्स कर रहा हूँ मैं, और देखो लाइन लाइन ना, ये जो दो लाइन दिए मैंने ये यहाँ पे इसलिए दिए क्योंकि ना ये उस पर मटके पे बनी हुई थी लाइन्स, ठीक है, तो ना तुम भी ये दे दो लाइन की, लाइन के हिसाब से फिर शेडिंग दो। जैसे देखो मैंने लाइन दे दी, अब उसके हिसाब से देखो शेडिंग दे रहा हूँ ना मैं, जैसे देखो लाइन के साथ मैंने वो रेड कलर लिया है, ठीक है, अंदर की ओर, तो वो चीज़ ना तुम भी कर सकते हो, ठीक है, तुम भी कर सकते हो, क्या तुम्हें करना है ये, ठीक है, तभी शेडिंग ऐसी आएगी। अब देखो यहाँ पे ना लास्ट में ना यहाँ पे वाइट थोड़ा सा छोड़ूंगा मैं, और फिर वाइट के साथ ना वाइट मिक्स करूँगा रेड रेड को लेके, ठीक है, देखना भी कैसे करता हूँ मैं। अब देखो जैसे मैंने मैंने ये कर दिया, अब यहाँ पे ना बीचों बीच हल्का है, ठीक है, क्योंकि दोनों साइड तो मैंने शेड दे दिया, बीचों बीच हल्का है, तो फिर इसलिए ना वहाँ पर ऑरेंज किया मैंने। अब देखो वाइट छोड़ा, अब वाइट मिक्स कर दिया वहाँ पर, मतलब वाइट शीट का छोड़ा हुआ मैंने और फिर वाइट मिक्स कर दिया, तो वो ऑरेंज के साथ थोड़ा थोड़ा मिक्स किया, और जो वाइट का जो मतलब बीच पर वाला पार्ट है उसे गायब नहीं करना, मतलब ऑरेंज के साथ मिक्स करना है वाइट के कोने कोने वाले पार्ट को, जो तुमने मतलब सर्कल टाइप रखा था ना, तो उसके जो सर्कल वाला पार्ट है बीचों बीच वाला पार्ट छोड़ दो, और फिर जो मतलब साइड साइड वाला सर्कल का जो पार्ट है वो कर दो, बस समझ गए ना क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। तो उससे देखो कितनी चमक आ गई ना अच्छी सी, तो यही चीज़ करना होता। अब देखो बिल्कुल मटका लग रहा है ना, बस अब देखो मैं वाइट रख रहा हूँ यहाँ पे, ऑरेंज देखो ऑरेंज मैंने हल्का छोड़ दिया, यहाँ पे भी शाइन आ रही थी, तो यहाँ पे हल्का छोड़ दिया, अब वाइट मिक्स कर रहा हूँ इसमें मैं, देखो अब वाइट कैसे मिक्स करा, तो तुम्हें भी ऐसे करना है। और देखो तुम्हें ना बस
एक चीज़ का ध्यान रखना है कि तुम्हें ना ब्रश बिल्कुल कहीं ढीला चलाना है, कहीं टाइट चलाना है। जैसे अभी मैं चला रहा हूँ ना, उसे मैं ब्रश को ना स्ट्रोक्स मार रहा हूँ, जैसे धीरे धीरे हल्के छोटे छोटे बहुत छोटे छोटे स्ट्रोक्स मार रहा हूँ। तो तुम्हें ये भी ध्यान में रखना है कि तुम्हें स्ट्रोक्स बहुत छोटे छोटे मारने हैं इस वक्त। अब देखो मैंने उस कोने पर भी ये करा, अब मेरा बेस सेट हो गया ना, अब मैं इस पर दूंगा टेक्सचर, ठीक है। तो बस फिर ये चीज़ तुम्हें ध्यान में रखना है कि ऐसे करते हैं। अब देखो उस साइड में थोड़ी सी शाइन आ रही थी, तो इसलिए ना ये चीज़ मैंने वहाँ पे वाइट वाइट के वापस से स्ट्रोक्स मारे थे कोने पे, लेफ्ट हैंड लेफ्ट कॉर्नर पे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तुम्हें ना करना है, मतलब ये करोगे ना तो बिल्कुल तुमसे ऐसा ही बन जाएगा सेम, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, जैसे मैंने करा है। कोशिश करना है मटका बनाने की, तो ना एक काम करना, एक अलग शीट लेना और उस पर मटका सेम ऐसे बनाने की कोशिश करना, तो तुमसे ना बने तो बोलना, या इसका आधा तो तुम बना ही लोगे अगर सेम ऐसे देने की कोशिश करो तो, ठीक है। अब मेरी बात अगर तुम्हें समझ ना ही हो तो एक बार वीडियो में पीछे जाना और वापस सुनना जो मैंने बताया है, ठीक है, क्योंकि तुम्हें ना मेरे ख्याल तुम सुनोगे ना वापस ढंग से तो समझ जाओगे, ठीक है, एक बार में समझ ना आया अगर तो। और वीडियो को ना थोड़ा ना तुम मतलब 720 या 480p पे देखो, तो तुम्हें और ज़्यादा अच्छी तरह पता लगेगा कि मैं ब्रश कैसे चला रहा हूँ। अब बस यार ऊपर जो कर रहा हूँ ये डिटेलिंग वर्क है, ये तुम ना भी करो तो भी चलेगा, पर मैं जो जिससे पेंटिंग देख के बना रहा था ना उस पर डिटेलिंग वर्क करी हुई थी, तो इसलिए मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो अपना नीचे वाला जो पार्ट है उसमें भी सेम ऐसी टेक्सचर दूंगा मैं, मतलब पूरे पे ऐसी टेक्सचर है इस पर, तो इस वजह से दूंगा मैं, ठीक है। अब तुम्हें मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे क्या करते हैं, इतना तो मेरे ख्याल तुम्हें समझ आ गया होगा, क्योंकि ये बहुत आसान है, दिखने में मुश्किल लग रहा होगा लेकिन है बहुत आसान, ठीक है। कोशिश करना तुम करने की हो जाएगा, मतलब मैं कह रहा हूँ इससे मुश्किल घाघरा कर रहा था जो ये घाघरा बनाया था मैंने, ये तो मतलब बहुत जल्दी कर दिया मैंने।
अब मेरा ऊपर वाला पार्ट हो गया ना ये। अब देखो, अब ना जैसे इसने जो ये पहन रखा है, लहंगा सा पहन रखा है इसने, जो उसके आसपास वहाँ की उसकी परछाई आएगी उस पे मटके पे, तो वो परछाई ना तुम्हें ब्लैक से देनी है, ठीक है। अब ब्लैक से दे दिया तुमने, अब टर्किश ब्लू लो, टर्किश ब्लू करो इसमें, ठीक है। और टर्किश ब्लू करने के बाद ना लास्ट में जहाँ ऊपर शाइन आ रही है, देखो वो लाइन जो तुम्हें दिख रहा है ना, वहाँ पे शाइन आ रही है तुम्हारी वाइट की, है ना, तो वो वाइट की शाइन ना तुम्हारी नीचे भी आएगी। ये थोड़ी है तुम्हारा रेड भी खत्म हो जाएगा, अलग कलर है तो वहाँ पे भी शाइन तो आएगी ना, तो वो तुम्हें इस कलर से ना वाइट मिक्स करके देना है। देखो मैं वहाँ पे वाइट छोड़ूंगा, फिर उसमें वाइट मिक्स करूँगा, तो ये चीज़ ना तुम्हें ऐसे करना है ये, ठीक है। क्योंकि तुम ये एक बार तुम बनाओ जरूर यार, ऐसे देख के मैं कह रहा हूँ, पता है तुम जब ये करोगे ना खुद से, तब जाके होगा ये, मतलब बताने से तुम्हें लगता है कि बहुत आसान है, लेकिन जब तुम करोगे ना तो थोड़ी सी डिफिकल्टी आएगी, पर उसके बाद करोगे, मतलब अगर तुम करो और तुमसे हो जाए ना तो यार मतलब बहुत बढ़िया है। फिर तुम ये कर लो ना ये वाली, अगर तुम्हारी शेडिंग आ जाए तो मतलब माशाल्लाह यार, क्या बताऊँ मतलब तुम कर लोगे, फिर उसके बाद ना बहुत सारी शेडिंग तुम्हारी खुद ही आ जाएगी। तो ये चीज़ कोशिश करना, देखते देखते तुम करोगे ना तो देखते हुए ज़्यादा, मतलब आदमी बहुत ज़्यादा सीखता है, ठीक है। तो तुम देख के ना बहुत ज़्यादा सीखोगे, इसलिए कह रहा हूँ। तो देखते देखते अगर साथ में तुम करो ना तो तुम कर सकते हो ये, बाद में तुम कोशिश करोगे कि मतलब मैं बिना देखे करूँ तो फिर नहीं होगा ये, इसलिए कह रहा हूँ। देखते हुए करोगे ना तो हो जाएगा तुमसे, ठीक है। अब देखो, अब ना मैं जैसे यहाँ पे बस मेरा ये वाला पार्ट हो गया ना, इस पर थोड़ी थोड़ी डिटेलिंग वर्क कर रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद ना बैकग्राउंड कर दूंगा आराम से, तो बैकग्राउंड तो तुम्हें पता ही है यार, बस मिक्सिंग देनी होती है उसमें, और कुछ नहीं होता। ब्रश को बस फैलाते चलो, मतलब ब्रश को बस थोड़ा सा बस ऐसे दबाव दे के पकड़ो, मतलब प्रेशर डाल के पकड़ो, और बाकी बस करते चलो तेज़ तेज़। और इसमें मैं पता क्या कर रहा हूँ, इसमें बस ना मैं मतलब वाइट और ब्राउन मिक्स करके एक कलर बना रहा हूँ, ठीक है, मतलब ब्राउन का हल्का कलर, और फिर उसके बाद उससे कर रहा हूँ, और फिर वाइट से थोड़ी थोड़ी उस पर डिटेलिंग कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ कर रहा हूँ बस मैं।
देखो अब मैं ना राइट साइड धुआं बनाऊंगा, ठीक है, स्मोक बनाऊंगा, तो वो देखो अब मैं कैसे बनाऊंगा, ठीक है। वो बनाना बहुत ज़्यादा आसान होता है वो भी, मतलब यार ये ड्राइंग पूरी आसान है, बस तुम्हें ना थोड़ा टाइम लेके डिटेलिंग के साथ करना है काम, तो बन जाएगी तुमसे, सेम बन जाएगी यार ड्राइंग, इससे अच्छी बन सकती है तुमसे, मैं कह रहा हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ना जैसे मैं वाइट कर रहा हूँ, तो देखो मतलब धुआं बना रहा हूँ मैं पहले, ठीक है। तो धुआं बनाने के लिए ना तुम्हें ना वाइट में ना सारे शेड यूज़ करने होंगे, मतलब डार्क लाइट, उससे डार्क वाइट, ठीक है। तो मतलब वाइट को एक बार ज़्यादा डेंसिटी, मतलब वाइट का यूज़ करना है, एक बार कम करके पीछे बैकग्राउंड के साथ थोड़ा मिक्स करना है पानी के साथ, ठीक है। तो अब देखो अब ना मैं कैसे कर रहा हूँ इसमें, जैसे देखो मैंने इसे ये वाला पार्ट हल्का किया ना मैंने, देखो पानी से मिक्स करके कर रहा हूँ ये वाला पार्ट, ठीक है। अब देखो इसे थोड़ा डार्क लिया, फिर इसे भी मैं थोड़ा मर्ज कर दूंगा पानी के साथ उसमें, ठीक है। तो देखो अब देखो मैं मर्ज करता जा रहा हूँ ना, तो ये देखो हल्का हल्का बिल्कुल धुआं जैसा लग रहा है ना ये, तो ये चीज़ तुम्हें करना है, ठीक है, ये कर सकते हो। तो मतलब जैसे तुम ना वाइट कलर लो, और फिर मतलब जैसे ब्लैक बैकग्राउंड है, तुम ये भी अलग से करके देखो, पहले ना बैकग्राउंड ब्लैक कर दो, ठीक है, उसके बाद ना वाइट कलर लो और ब्रश को बिल्कुल हल्का पकड़ो, बहुत ज़्यादा हल्का, ठीक है, और पानी मिक्स करो उसमें, और फिर ना थोड़ा ना ब्रश को ना गोल गोल चलाओ हल्का, मतलब सेमी सर्कल टाइप, जैसे दो सी बनाते हो ना, दो सी बनाओ या सर्कल बनाओ, कैसे भी ब्रश चलाओ बस, ठीक है, बस कोई तुम्हारा एक्यूरेट शेप नहीं होना चाहिए इसके लिए, ठीक है, मतलब कैसे ब्रश चलाओ बस ना, तुम्हें डार्क लाइट और मतलब ऐसे वाइट रखना है। तो पहले ना इसमें भी वाइट में भी ना पहले पीछे बैकग्राउंड कर दो हल्का हल्का, मतलब जो बैक वाला पार्ट है ना तुम्हारा वाइट का, वो वाला पार्ट कर दो पहले, ठीक है, फिर उसके ऊपर फिर डार्क डार्क वाइट चलाओ। तो देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, देखो कैसे मैं ब्रश कैसे भी चला रहा हूँ ना, तो ये चीज़ करना है तुम्हें। अब देखो धुआं जैसा लग रहा है ना, ये धुआं लग रहा है ना ये तुम्हारा बिल्कुल, तो बस फिर ऐसे ही करना होता है, ठीक है। तो तुमसे ये भी बन जाएगा, ये भी बहुत आसान होता है, ठीक है, बस ना तुम्हें करने की ज़रूरत है, बस एक बार हाथ उठाओ और ब्रश चलाओ हो जाएगा तुमसे ये सब, ठीक है। और देखो यार मेरे बन के होने वाले हैं, तो जल्दी जल्दी करवा दो मेरे बन के, ठीक है क्योंकि फिर उसके बाद तो मोनेटाइजेशन वगैरह हो जाते हैं ना, तो बंदे वीडियो शायद मेरे ख्याल ज़्यादा आती है उनके पास, तो इस वजह से कह रहा हूँ मैं, ठीक है, बन के करवा दो मेरे जल्दी जल्दी, और शेयर वेयर कर दो, फिर उसके बाद और वीडियोज़ आती रहेंगी ऐसी ऐसी, ठीक है। और यार ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी थी, इसलिए मैंने तीन पार्ट में डाला ये, ठीक है, वरना मैं तीन पार्ट में डालता नहीं है, क्योंकि मुझे पता है बंदे जाके तीन पार्ट कहाँ देखेंगे, मतलब फर्स्ट पार्ट देखते हैं, फिर उसके बाद दूसरे पार्ट में देखने का मन नहीं करता, फिर तीसरे पार्ट तो बिल्कुल ही। तो फिर भी मैं इसे डाल रहा हूँ ये वाला, क्योंकि मतलब जिन्हें जानने की इच्छा होगी, मतलब जो देखते होंगे, मतलब जो सोचते होंगे कि मुझे सीखना है, तो वो यार देखेंगे ही, है ना, तो इस वजह से चलो सब्सक्राइब कर देना बस, ठीक है, और सपोर्ट करते रहो बस, और तुम्हारा भाई और लाएगा वीडियोज़, चिंता मत करो बस, ठीक है, ओके बाय।